हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, मैंने ना ये वाला दिवाली में एकदम लास्ट मिनट वाला लुक किया था, बट सम इश्यूज़ मैं ये वाला वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। सो मैंने सोचा इसको मैं एज ए टीनेजर लुक, बिगनर लुक डाल सकती हूँ। सो ओके गाइस, आप लोग को मैंने पहले ही रीज़न बता दिया है। सो ये वाला लुक ना बहुत मिनिमम प्रोडक्ट के साथ मैंने, और बहुत विदाउट लैशेज और बहुत हैवी फाउंडेशन, कुछ नहीं। हाँ, बहुत ईजी टीनेजर वाला लुक है। सो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो फुल वॉच करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओके, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम अपनी स्किन केयर करेंगे। सो गर्ल्स, स्किन केयर करना करें बिना प्राइमर वगैरह। उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट। अच्छा, पिंपल देखा, सामने सामने आ गए। मामा अर्थ की एलोवेरा वाली क्रीम, ये टीनेजर्स के लिए भी बेस्ट है, बिगनर हो बिगनर के लिए भी अच्छी है। बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिप चिप नहीं करती, लाइट वेट, लाइट तो बहुत ज़्यादा थिक वाली नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब मॉइस्चराइज कर देती है अच्छे से फेस को, ठीक है। रेने की ब्लैक वाली ये मैडनेस वाली लिप बाम है, ये एज ए लिपस्टिक थी, बट ये वैसे लिपस्टिक थी बट इसको एज ए लिप बाम लगा सकते हैं, लिप बाम का वर्क करती है। मनीष मल्होत्रा का ये बनाना वाला प्राइमर है, ये वाला प्राइमर ना इतना अच्छा, मानती हूँ कॉस्टली है ये, आई थिंक 1000 का है, 999 का या 1 रुपीज़ कम, बट ना प्राइमर लगाने से ना जितने पोर्स होते हैं ना सब ब्लर हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, सो बेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनता है। ये पता नहीं मैं कहाँ खो गई थी, पता है, आई डोंट नो, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आजकल थोड़ा खोई खोई सी रहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है, रीज़न कहीं ना कहीं मुझे रीज़न पता है इस चीज़ का, बट मैं आप लोग से कैसे शेयर करूँ गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। लोग मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं रीज़न आपको क्या ही बताऊँ, बट या आजकल बहुत खोई खोई रहती हूँ, और दिमाग में ख्याल एक ही एक आते हैं बस, अजीब अजीब से, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी ना, मतलब कोल्ड वोल्ड था, उसके वजह से बार बार आंसू आ रहे थे, तो अच्छे से मैंने सेटिंग स्प्रे लेके फिटमी का कॉम्पैक्ट लगाया था उसको। प्रोफेशनल ब्रशेस बीच में बहुत फेमस हो रहे थे ना, वायरल हो रहे थे, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, बट इसकी कंपैरिजन में रेने कॉस्मेटिक इज़ बेस्ट। ओके, आईब्रोज मैंने अच्छे से फिल कर ली, आज मैंने कुछ भी क्लीन वगैरह नहीं किया, जस्ट मैंने बहुत सिंपल सिंपल से फिल की है। एंड वाई बेका मैंने ये वाली पैलेट ली, आई शेडो पैलेट, सॉरी सॉरी गलती से आ गया था ये क्लिप, लगता है ज़्यादा ही हो गई यार। ओके, एनीवेज मैंने क्या किया, ब्लू हेवन का ब्लश लिया, ये काफ़ी साल पहले, 1-1.5 साल हो, काफ़ी साल तो ऐसे बोले 10 साल हो गए, 1-1.5 साल हो चुका है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तब लिया था अपना। सो उससे मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट मैंने पिंक कलर लिया, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली ये वाला मतलब मेकअप लुक होगा गाइज, मैंने जस्ट वो लिया एंड अच्छे से अपने लिड्स में अप्लाई किया। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश लेके, आईब्रो वाला ब्रश लेके, ब्राउन कलर लेके अपनी आईलाइनर वाली जो लाइन होती है वहाँ पे स्मच कर लूँगी, एंड दैट्स इट। ये लुक आप कभी भी कर लोगे ना, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस लुक को करते हुए, इतना इजी लुक है, बिगनर फ्रेंडली है, टीनेजर के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत अट्रैक्टिव लगता है रियल में भी। मैंने किया है क्योंकि रियलिटी में मैं यही करती हूँ ज़्यादातर। मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड मस्कारा लगा रही हूँ, इसका एप्लीकेटर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मज़ा आ जाती है।
वन डिप में ही आप अपनी दोनों आई लैशेज को अच्छे से कर्ल कर सकते हो, अपर लोअर दोनों। अच्छे से मैं अपनी आई लैशेज को कोट कर लूँगी अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लगे। हाँ, आप डिफरेंस देख सकते हो, क्लियरली डिफरेंस देखो क्लियरली। अगर आपका मस्कारा सूख गया हो ना, तो उसमें लेंस वाटर डाल लेना ये तो वैसे सबको ही पता है। सो काफ़ी लंबी क्लिप चली गई यार, शिट मैन, बहुत लंबी क्लिप चली गई है। तो अच्छे से चलो आप देख ही लो, मैं मस्कारा वैसे भी नया है ना, तो आप लोग भी देख लो, इसका रिव्यू ही देख लो, बस आएगा मेरे चैनल पर रिव्यू भी आएगा इसका। वापस से मैं वही ब्लू हेवन का शिमर ब्लश ले रही हूँ और उसको मैं ब्लश लगाऊंगी। आज कॉन्टोर वगैरह कुछ नहीं करूँगी, बहुत ही बजट फ्रेंडली, टीनेजर के लिए बिगिनर फ्रेंडली है ये वाला लुक। सो अच्छा है काफ़ी बजट फ्रेंडली, में क्या मतलब कि यार बहुत मिनिमम प्रोडक्ट के साथ किया है, और बस इसमें एक प्राइमर आपको महंगा दिख रहा होगा, बाकी आप प्राइमर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, बाकी सब मैंने सस्ते प्रोडक्ट ही, मतलब सस्ते और अच्छे हैं। हाँ, अच्छे भी हैं। मतलब वेट एंड वाइल्ड का ये है हाईलाइटर, बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट हाईलाइटर है। इसको मेन पॉइंट्स में लगाएंगे, चीक, एप्पल ऑफ द चीक, फोर हेड, और आइज़ का कॉर्नर हो गया, ब्रो बोन हो गया, नोज हो गया, और अपर लिप्स हो गया, जॉ लाइन चिन एरिया हो गया, वहाँ पे हम मेन जगह पे लगा लेंगे। पॉप एक्सो की एक बॉक्स में आपको थ्री लिपस्टिक्स मिलती है, न्यू शेड्स होते हैं इसमें। ये वाली लिपस्टिक मैं लगाऊंगी, ये ना थोड़ा ब्राउनिश पिंकिश कोरल वाला शेड टोन है, मतलब इस लिपस्टिक का काफ़ी अच्छी लिपस्टिक थी, तो न्यू शेड लग रहा था, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने लिप्स में, काफ़ी सुंदर और बिल्कुल यार टीनेजर वाला लुक। यार अगर आपको दिवाली में कोई चाहिए था ना, मैंने वैसे तो दिवाली के लिए ही बनाया था गाइज, बट एट द एंड मैं इसको डाल नहीं पाई कोई रीज़न की वजह से, तो मैंने फिर क्या किया, इसको मैं एज ए टीनेजर लुक डाल सकती हूँ, क्योंकि वेस्ट तो नहीं करूँगी ना यार, इतनी मेहनत से बनाया था और तबीयत भी ठीक नहीं थी। काजल लगा रही हूँ क्योंकि टीनेजर्स हो तो काजल आपके ऊपर सूट, मतलब अच्छा, अगर आपको पसंद आता तो आप लगा सकते हो, मतलब अच्छे से काजल लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं बहुत हल्के हल्के से मैं ये झुमके टाइप, झुमके नहीं है ये इयररिंग है, अभी बीच में काफ़ी ट्रेंडी थे, तो ये ऐसे टीनेजर्स के ऊपर मतलब अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और मैंने ज़्यादा हैवी आउटफिट पहना भी नहीं है, कुर्ती डाली है, बिंदी लगाई, बाल मैंने थोड़े से कटिंग वगैरह अपने कराए हुए हैं अभी, वो वीडियो मैंने नहीं लिया, बट मैंने सडनली बस कटवा लिए बाल हल्के से, नीचे से बस स्ट्रेट किए और तो कुछ नहीं है ना, तो कटिंग करवाई है। और कैसा लग रहा है लुक कॉमेंट करके बताना, बहुत सिंपल और ईजी और टीनेजर वाला लुक है, सो काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे को ज़रूर बताना। मैंने ना वो कराए हुए थे नेल एक्सटेंशन, और यहाँ पे ना मैं एक अपनी लोकल मार्केट से मैंने वॉच ली थी, वो डाल रही हूँ अपने हाथों में, एंड ये डालने के बाद मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। सेटिंग स्प्रे मैंने पहले लगा ली थी, इसलिए मैंने लास्ट में नहीं लगाई, बिंदी लगा करके ये वाला लुक कंप्लीट किया। फिर थोड़ा सा और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक थोड़ा सा टचअप देना था कोरल शेड का, वो लगाया, बिंदी लगाई, मेरे नेल आर्ट कितने प्यारे लग रहे हैं। ओके, इस ये लगाने के बाद मैंने लुक कंप्लीट किया। सो कैसा लग रहा है?